नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू संस्कृति में विवाह के जो 8 प्रकार हैं वो किस प्रकार के विवाह होते थे, उसमें कन्या का और जो वर होता था उसका किस प्रकार से विवाह किया जाता था, कौन से उत्तम कोटि के विवाह हैं और कौन से निम्न कोटि के विवाह हैं, कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा सबसे निकृष्ट प्रवृत्ति का जो विवाह है उसकी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी किए आज हम इस हिंदू विवाह की जो प्रथा थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह में जो पहला विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह होता था। और दोस्तों, जो ब्रह्म विवाह होता था, इस ब्रह्म विवाह में जो लड़की का पिता होता था वह एक सीलवान और जो वेदज्ञ जो पुरुष होता था उसको ढूंढ करके लड़की का विवाह उसके साथ में कर देता था, यही ब्रह्म विवाह कहलाता था। दूसरा जो विवाह का प्रकार है ये है देव विवाह। दोस्तों, देव विवाह होता था जो यज्ञ कराने वाला जो पुरोहित होता था दोस्तों उसके साथ में लड़की का पिता कन्या का विवाह कर देता था, यही क्या है देव विवाह कहलाता है। अर्थात पुरोहित के साथ में जो यज्ञ और जो मंत्रों का उच्चारण करता था उस पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर देना क्या कहलाता है, देव विवाह कहलाता है। आगे हम बात करते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह दोस्तों, जो वर पक्ष होता था वह कन्या के पिता को एक बैल और एक गाय देकर के कन्या से विवाह कर लेता था, वह आर्ष विवाह कहलाता था। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रजापति विवाह। तो प्रजापति विवाह में क्या है दोस्तों, एक प्रकार से दहेज निषेध होता था, इसमें दहेज नहीं लिया जाता था। अर्थात बिना लालच के कन्या का विवाह, बिना लालच के कन्या का विवाह वर के साथ में कर देना, ये क्या कहलाता है प्रजापति विवाह। अर्थात दहेज निषेध प्रथा प्रजापति विवाह में दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं असुर विवाह। तो असुर विवाह अर्थात जो कन्या का पिता है एक प्रकार से इसमें दहेज लेता था, अर्थात धन के बदले में विवाह करता था कन्या का पिता, उसी को क्या बोलते हैं असुर विवाह बोलते हैं। अर्थात इसमें जो वधु होती है इसको बेच दिया जाता था, अपनी कन्या को बेच दिया जाता था कुछ धन के बदले में। और जो दोस्तों गंधर्व विवाह होता है, इस गंधर्व विवाह को एक प्रकार से जो आजकल हम कहते हैं ना लव मैरिज, प्रेम विवाह, यह प्रेम विवाह जो होता था यह गंधर्व विवाह एक प्रकार से गंधर्व विवाह का प्रकार है। और आगे हम बात करते हैं 7 नंबर पर राक्षस विवाह। तो दोस्तों राक्षस विवाह होता था, राक्षस विवाह की बात करें तो राक्षस विवाह एक प्रकार से कन्या का अपहरण करके, आजकल देखते हैं ना लड़की लड़के के साथ में भग जाती है या लड़का लड़की को लेकर के भग जाता है, तो इस प्रकार का जो विवाह होता था वो राक्षस विवाह कहलाता था। अर्थात लड़की का अपहरण करना और फिर उसके साथ में विवाह रचाना एक प्रकार से राक्षस विवाह होता था। और जो पेशाच विवाह है, ये पेशाच विवाह होता था दोस्तों छल कपट से या जादू टोने से, और दोस्तों उसके ऊपर इनकी जादू करके स्त्री को शरीर को जो वश में करके उसके साथ में जो विवाह रचाया जाता था, संभोग किया जाता था, वही पेशाच विवाह कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तम कोटि का विवाह है ये ब्रह्म विवाह है, और जो निकृष्ट कोटि का विवाह है ये पेशाच विवाह है। और दोस्तों जो ये पष्ट के जो चार विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये उत्तम कोटि के विवाह हैं। और जो ये पाँच से लेकर के 8 तक हैं, अर्थात जो अंतिम 4 हैं ये निम्न कोटि के अर्थात निकृष्ट कोटि के विवाह कहलाते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो हिंदू विवाह हैं 8 प्रकार के ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार से पढ़ाई का आनंद लेते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।